वेलकम टू आवर चैनल यूनिक फूड एंड फ्लेवर्स। आज की हमारी रेसिपी है छोलियाँ की सब्जी। होप आप सबको खूब पसंद आएगी। आज आपके लिए हरे चने बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले ये हरे चने मार्केट से आजकल मिल रहे हैं, बहुत स्वादिष्ट बनते हैं, हेल्दी भी रहते हैं। दोस्तों, हम हरे चने को छोलियाँ भी बोलते हैं। हमने दो बड़े प्याज को चॉप करके लिया है, कुछ खड़े मसाले लिए हैं जैसे कि जीरा, तेजपत्ता, हींग, दालचीनी, अजवाइन, काली मिर्ची, हरी इलायची। अब हमने अदरक और हरी मिर्च को स्लाइस करके लिया है। सबसे पहले इसमें फ्राई में तेल डालेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम सारे खड़े मसाले डाल लेंगे। सारे मसाले अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम कटे हुए प्याज डालेंगे और सभी मसालों के साथ अच्छे से भूनेंगे। प्याज हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पकाना है। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इसमें एक चम्मच में अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, थोड़ा मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भूंज गया है। दो से तीन टमाटरों की प्यूरी हमने पहले से बना करके रखी थी, वो अब हम इसमें डालेंगे। वैसे ही नमक डाल देना है, ये टमाटर अच्छे से गल जाए। टमाटर पक जाता है नमक डालने से जल्दी। चार से पाँच मिनट के लिए मसाले को अच्छे से पकाएंगे। मसाला हमारा जितने अच्छे से भुनेगा, सब्जी हमारी उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। आप भी अपने घर में जब भी सब्जी का मसाला भुने तो उसे अच्छी तरह से भुने, गोल्डन ब्राउन होने तक। अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज और टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। इसके बाद मैं हरी मिर्ची और अदरक के स्लाइस काटे रखे हुए ये मैं डाल देंगे। स्लाइस किए हुए अदरक मिर्च
सब्जी में दुगना स्वाद ला देते हैं। ट्रस्ट मी, आप भी हमारे जैसे डाल करके सब्जी में एक बार जरूर देखिए। अब मैं इसमें एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी कलर के लिए, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर एक चम्मच, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड, अभी ग्रेवी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें एक चम्मच क्रीम का डालूंगी। अब फ्रेश क्रीम, घर की क्रीम भी डाल सकते हैं। मेरे पास अमूल क्रीम थी, मैं वो डाल दी। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ये आपका ग्रेवी मसाला तैयार हो गया, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप दही भी डाल सकते हैं। दही खट्टा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें टमाटर भी डाले हुए हैं। दही खट्टा होगा तो खट्टे का स्वाद ज्यादा आएगा। इसमें थोड़ा और पानी डालें। देखिए फ्रेंड, ये पानी डालने से पूरा जो प्याज टमाटर थे ना, पूरे मैश हो गए हैं इसमें। दोस्तों, अब हम 2 से 3 मिनट तक सब्जी को ढक करके पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं मसाले के ऊपर तेल आ गया है। इसका मतलब मसाला हमारा अच्छे से पूरी तरीके से भुन गया है। दोस्तों, छोलियाँ या हरे चने हमें सिर्फ विंटर्स में ही मिलते हैं। मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम मसाले में छोलियाँ डालेंगे। 3 से 4 मिनट तक अब हम छोलियों को मसाले में सॉफ्ट होने तक के पकाएंगे। दो से तीन मिनट तक सब्जी को ढक करके पकाएंगे। दो से तीन मिनट हो चुके हैं। ये रेसिपी बहुत ही जल्द बन जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। छोलियों की सब्जी को हम पूरी, पराठा, लच्छा पराठा के साथ खा सकते हैं। मैं फ्रेंड इसमें थोड़ा और पानी डालूंगी साइड में। बीच बीच में सब्जी को चलाते रहेंगे ताकि कढ़ाई से सब्जी ना लगे। अब हम 2 मिनट और सब्जी को ढक करके पकाएंगे।
देखिए दोस्तों, छोलियों की सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आया है, सुगंध भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम एक छोटा टुकड़ा पनीर का लेंगे और उसे कद्दूकस करके ग्रेवी में डालेंगे। कद्दूकस किए हुए पनीर डालने से सब्जी का टेस्ट दुगना हो जाता है। हेल्दी और टेस्टी। आपके पास पनीर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है। हमारी छोलियों की सब्जी अब बन करके तैयार है। अब हम इसमें क्रश करके कस्तूरी मेथी डालेंगे। अब हम चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। ये दोस्तों, गर्मा गर्म छोले की सब्जी बनकर तैयार है। आप भी घर पर हमारे तरीके से छोलियों की सब्जी बनाएं और फैमिली के साथ एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल यूनिक फूड एंड फ्लेवर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आप और रील्स वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर करिएगा।